हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ गॉल ब्लैडर स्टोन से होने वाली समस्याओं के बारे में, परेशानियों के बारे में। बहुत सारे मरीज ये आके सवाल करते हैं कि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन है, एक स्टोन है, बहुत सारी स्टोन है, स्टोन छोटी है, स्टोन बड़ी है, तो क्या इसको निकलवा देना चाहिए या इसका बिना ऑपरेशन के कोई समाधान हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल मरीजों की तरफ से आते हैं। उनमें एक उलझन ये भी रहती है, कुछ लोग उनको कहते हैं कि नहीं, आपको ऑपरेशन नहीं कराना है, ऐसी स्टोन निकल जाएगी। कुछ लोगों का ये रहता है कि नहीं, ऑपरेशन करा लेंगे तो शायद उससे आपको बहुत परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो पहले समझ लेते हैं कि भाई क्या स्टोन से कुछ परेशानियां भी होती हैं या बस यूं ही एक हमने एक हवा बना रखा है कि नहीं, ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है। तो देखिए, होता ऐसा है कि स्टोन जो है गॉल ब्लैडर में वो दो तरह की होती है, एक पिगमेंटेड स्टोन होती है और दूसरी जो है कोलेस्ट्रॉल की स्टोन होती है। अक्सर जो स्टोन है वो कोलेस्ट्रॉल की ही बनी होती है। अब ये स्टोन अलग अलग साइज की होती है, बहुत छोटी भी हो सकती हैं, बारीक रेत के कणों के आकार की भी हो सकती हैं और बहुत बड़ी भी हो सकती हैं जो आपके पूरे गॉल ब्लैडर को ही ऑक्यूपाई कर लेती है। अब देखिए, दोनों ही तरह के स्टोन के अपने अपने खतरे हैं। अगर ये छोटी छोटी स्टोन्स हैं और बहुत सारी हैं तो इनका हमेशा एक डर रहता है कि ये आपकी कॉमन बाइल डक्ट में, यानी कि जो रास्ता जिससे बाइल जूस जो है लीवर से गॉल ब्लैडर में आता है और गॉल ब्लैडर से फिर आंतों में जाता है, उसको बंद कर देती हैं तो फिर एक दिक्कत हो जाती है और वहां पे जो है फिर मरीज को जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। अगर ये स्टोन सिर्फ उस रास्ते में रुकावट पैदा करती है जहां से पित्त से या गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस है वो आंत में जाता है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि वो ऊपर लीवर से आने वाला जितना भी बाइल जूस है वो सीधे आंत में चला जाता है, वहां कुछ परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर ये आगे का रास्ता ब्लॉक कर देती है कि लीवर से जो आने वाला पित्त है वो आंत में भी ना जा पाए, तो फिर ये वापस आपके खून में जाने लगता है और जो गॉल ब्लैडर है इस बाइल जूस से भर जाता है और पीछे की तरफ जब ब्लड में ये बाइल जूस ज़्यादा जाने लगता है तो फिर मरीज को जॉन्डिस हो जाती है और यहाँ पे फिर एक इमरजेंसी प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है, जिसको या तो ERCP करा के इस स्टोन को बाहर निकलवाना पड़ता है, अदरवाइज मरीज की जान भी जा सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाए या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाए गॉल ब्लैडर के अंदर, तो गॉल ब्लैडर रप्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अगर गॉल ब्लैडर रप्चर हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग या जानलेवा कंडीशन होती है, क्योंकि फिर पूरी बॉडी में सेप्टिक फैलने का डर बना रहता है। अब अगर स्टोन मान लीजिए एक ही है, बहुत बड़ी स्टोन है, तो बहुत बार मरीजों को कोई सिम्टम नहीं आते हैं। ऐसी मरीजों को जहाँ पे आपको कोई सिम्टम ना आए तो उसको एसिम्टोमेटिक स्टोन कहते हैं। और बहुत सारे मरीजों में तो ऐसा भी होता है कि उनको पता ही नहीं लगता है, जब वो कभी अल्ट्रासाउंड कराते हैं या किसी दूसरे कारण से अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब उनको पता लगता है कि उन गॉल ब्लैडर स्टोन है। तो अगर ऐसा है कि आपको कोई सिम्टम नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको थोड़ा बहुत टाल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी बेहतर ये होता है कि आप जितना जल्दी हो सके गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन करा के इसको बाहर निकाल दें। क्योंकि जैसे जैसे स्टोन का साइज बड़ा हो जाता है तो फिर ये उस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से ये स्टोन जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर कोलिस्टाइटिस पैदा कर देती है, यानी कि अंदर सूजन पैदा कर देती है गॉल ब्लैडर की सरफेस के अंदर। मरीज को जल्दी जल्दी पेन होने लगता है, उल्टी आने लगती है, तो फिर यही होता है कि आपको इसको निकलवाना पड़ेगा। या उसके अलावा कई बार ये स्टोन इम्पैक्ट हो जाती है गॉल ब्लैडर में तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और कई बार अगर लगातार सूजन बढ़ती रहती है, स्टोन का साइज बढ़ता रहता है, तो गॉल ब्लैडर जो है वो आसपास की सरफेस से, आसपास की मसल से भी चिपक जाता है, एडिशंस बन जाते हैं, तो फिर ये और कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन बन जाती है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत समय तक आपके गॉल ब्लैडर में पड़ी रहे तो फिर वो गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा या गॉल ब्लैडर के कैंसर का भी कारण बन सकती है और ये फिर आपको दिक्कत दे सकता है। तो इसलिए अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाते हैं तो उसको इग्नोर ना करें, उसको फटाफट से ऑपरेशन करा के निकलवा दें। एक और कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कई बार कि अगर छोटा सा स्टोन आपके पैनक्रियाज की तरफ चला जाए, पैनक्रियाटिक डक्ट में चला जाए, तो वहाँ पे ये पेनक्रियाटाइटिस बना देता है और पेनक्रियाटाइटिस भी बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। तो इसलिए आप कभी भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स को इग्नोर ना करें। अगर आपको सिम्टोमेटिक स्टोन्स हैं तो ठीक है, आपको भी नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पता लग जाए तो प्रिफर ये करें कि उसको निकलवा दें। और अगर आपको सिम्टम्स आने लगें तो फिर बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।